नमस्कार, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ, माँ लखना को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। हमेशा की तरह लेकर आया हूँ एक विशेष टॉपिक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, साल 2020 का बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन राहु केतु का होने जा रहा है, उसकी सीरीज को आगे बढ़ाऊँगा। एक महीने में एक से दो वीडियो एटलीस्ट करूँगा। मार्च में हमने पहला वीडियो किया था 25 मार्च को, राहु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2020 को हो रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा मेष राशि पर। आज चर्चा करेंगे वृषभ राशि वालों पर। और उस बीच एक महीने से ज़्यादा समय बीत गया, मैंने कुछ और आर्टिकल इस पर नहीं दिया, वीडियो नहीं दिया, लेकिन अब हर दो हफ्ते में एक आएगा वीडियो और आपको नज़र बनाए रखनी है। और आपको बस इतना सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर फेसबुक पे टाइप करना। तो चलिए राहु की चर्चा करते हैं, समय ना जाया करते हैं। 23 सितंबर 2020 सुबह का करीब 8:20 यही वो समय होगा जब राहु अपनी उच्च की राशि मिथुन छोड़ के अपनी उच्च की ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। अब आप कह रहे हैं दो कैसे हो गई, हमेशा एक होती है। भाई ज्योतिष में बड़े मतभेद है इस मामले में। सिर्फ राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं क्योंकि ये मतभेद के ही कारक हैं, इनको कोई समझ ही नहीं पाया, तो ऋषि मुनि भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए। किसी ने कहा कि इसे मिथुन राशि पे उच्च की संज्ञा दी, तो किसी ने इसे वृषभ राशि में उच्च का कहा और माना। अब आप क्या करें और कैसे करें वो मैं समझाता हूं। मेरा अध्ययन, मेरा शोध ये कहता है कि वृषभ का राहु और वृश्चिक का केतु ज़्यादा पावरफुल होता है मिथुन और धनु राशि के राहु केतु से। ये मेरा अध्ययन है, इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ बिना वजह नहीं करता, क्योंकि ना किताबी हूँ और ना ही आप जानते हैं कि इंटरनेट वाला ज्योतिषी हूँ, तो ख़ास तौर से उसकी वजह है। देखिए राहु केतु को जो अमृत का कहीं ना कहीं जो लाभ मिला अमृत पीने का, वो सब सारा इन्होंने किया क्यों, वो परपंच रचा क्यों, देवताओं के बीच जाके बैठ के क्यों, पृथ्वी पे रहने के लिए, पृथ्वी पे सुख भोगने के लिए। तो मिथुन राशि हवा तत्व की राशि, वायु तत्व की राशि, एयर की राशि, वहां कैसे वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं पृथ्वी तत्व की राशि के से ज्यादा। और वृषभ राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो वहां ज्यादा रिजल्ट देने चाहिए ना। सारा परपंच, सारी दिक्कत, सारी समस्या उन्होंने झेली सिर्फ इस पृथ्वी की वजह से, क्यों पृथ्वी में अपना प्रभाव चाहते। तो निश्चित तौर पर वृषभ राशि और वृश्चिक राशि राहु केतु के लिए ज्यादा पावरफुल राशि है, ऐसा मेरा मानना है। और ज्योतिष में कई विद्वान भी ऐसा मानते हैं, और हमारे ऋषि मुनि ने भी दोनों ग्रह राशियों को खूब इंपॉर्टेंस दी है। किसी ने तो ये नहीं कहा है, किसी ने हालांकि ये जरूर कहा है कि मिथुन में उच्च है, किसी ने कहा है वृषभ में उच्च के हैं, लेकिन सबने ये कहा है चाहे मिथुन हो चाहे वृषभ, बहुत पावरफुल होते हैं दोनों राशियों में, लेकिन मेरा मानना है वृषभ में ज्यादा। तो इसीलिए आपके पहले भाव में ये गोचर होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ लेके आ रहा है। और अगर वेदों का भी अध्ययन करें तो राहु के अधिदेवता या प्रति अधिदेवता सर्प हैं, सांप, और जबकि केतु के अधिदेवता चित्रगुप्त हैं, जैसा कि मैं कुछ और एपिसोड्स में बता चुका हूँ। राहु का दायां भाग काल है और बायां भाग सर्प है, और सर्प के मुंह में जहर होता है, इसीलिए इनको भी जहर तत्व का कहीं ना कहीं अधिदाता माना गया है। इनमें जहर को, जहर की संज्ञा भी दी गई है और जहर की अधिकता मानी गई है। तो खास तौर से राहु मोह है, माया है, मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है। और जब ये उच्च के हो रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए, तो कुछ क्या कमाल करेंगे, करेंगे, क्योंकि बेहतर तो हैं। अब वृष राशि से इनका कनेक्शन समझ लीजिए, जो कि मैं आपको बताने आया हूँ। वृष राशि में ही है, आपके पहले घर में होंगे, चाहे लग्न से देख लें चाहे चंद्र राशि से, निश्चित तौर पर पावरफुल होंगे। वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी के सुख दिखाती है, बैल को दर्शाती है, पावरफुल सेक्सुअल पावर दिखाती है, पावरफुल वेल्थ दिखाती है, पावरफुल प्लेजर दिखाती है, पावरफुल सुख दिखाती है, असेट्स दिखाती है। यहाँ राहु आए हैं, इनमें से कुछ चीज़ें तो बढ़ेंगी, निश्चित बढ़ेंगी, और वो पॉजिटिव वे में बढ़ेंगी। इसीलिए ये राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ लेके आया है, फायदा लेके आया है। राहु देखिए छाया ग्रह है,
छाया को पकड़ पाना आसान है नहीं ना, जब आप रात को चलते हैं। तो वैसे इसको समझ पाना और पकड़ पाना दोनों मुश्किल है, इसलिए बड़े बड़े ज्योतिषी इसमें मात खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि इसके अध्ययन में हमें बहुत चीज़ें ध्यान देनी होती है, नक्षत्र, साइन, इस पर दृष्टि, इसकी डिग्री, फला फला। मेरी वेबसाइट प्रतीक विजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैंने बड़े ही डिटेल से समझाया है, कभी फुर्सत मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो चलिए अब समय ना जाया करते हैं, बता देता हूँ किस नक्षत्र में। 23 सितंबर को मृगशिरा नक्षत्र से इनकी शुरुआत होगी, जो कि मंगल का नक्षत्र है, जो कि इनके लिए एवरेज टाइम रहेगा। उसके बाद 1.5 साल तक, 18 महीने तक इसी राशि में रहेंगे। और 18 महीने का राशिफल लेके आया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ इसे वायरल करिए, इसे शेयर करिए और सब तक फैला दीजिए। तो 18 महीने तक मृगशिरा, फिर रोहिणी, आखिरी नक्षत्र कृतिका होगा। सबसे सुखद नक्षत्र का क्या होगा, वो होगा जनवरी फरवरी से शुरू करीब करीब, और वो होगा रोहिणी नक्षत्र। यहाँ ये सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे। इसके बाद कृतिका आएगा, वो सूर्य का नक्षत्र है, वहाँ पे भी इफ और बट की सिचुएशन रहेगी। और राहु कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है, समझ लीजिए नागपुर में बैठा एक PWD का हाई प्रोफाइल मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी का आज का बहुत बड़ा नेता और भारतीय जनता पार्टी का सबसे इंटेलिजेंट लीडर्स में मैं जिन्हें मानता हूँ, उसे नागपुर से उठा के रातों रात, लोग ये भी पूछते थे तब मीडिया के गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, ये कौन है जिन्होंने राजनीति का बहुत अध्ययन जो नहीं करते हैं, राजनीति को ध्यान से नहीं समझते हैं। हालांकि वो शुरू से बड़े पदों पर रहे हैं, चतुर्भुज स्वर्णिम योजना उन्हीं की देन है भारत में, लेकिन क्योंकि एक सिंपल विधायक थे, उन्हें उठा के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, नाम है नितिन गडकरी। 1991 में दिल्ली का एक लड़का मुंबई गया और उसने फिर 16 से 18 साल तक, क्योंकि वो उसकी बृहस्पति की महादशा थी और 10वें घर में उसके राहु उच्च के वृषभ राशि में ही बैठे हैं, उसको अमिताभ बच्चन के बाद सबसे बड़ा एक्टर घोषित किया, और शायद वो दर्जा ना आमिर खान, सलमान खान कभी पा पाए, ना ही वो शोहरत पा पाए। तो इतना जबरदस्त होता है राहु, शाहरुख खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, वृषभ का राहु इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, स्टील के बर्तन है राहु, हाथी के दांत है राहु, जेल का बंद कैदी है राहु, बदनाम वकील है राहु, हर तरह का गलत पैसा जो आपके पास आ रहा है वो है राहु। तो आपको बहुत ध्यान देना है। अब समय ना जाया करके आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कैरियर व्यवसाय का। देखिए, लग्न में बैठेंगे, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगी, काम भी पूर्ण होंगे, अगले 1.5 साल सडन आप आगे बढ़ेंगे, सत्ता में आ सकते हैं, राजनीति में चमक सकते हैं वृषभ राशि वाले। उसी के साथ साथ मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फैशन इंडस्ट्री, ज्योतिष, बोलने का काम, राजनीतिक घरानों से संबंध, बड़े ओहदे से संबंध, सरकारी से संबंध, सरकारी मतलब कि बड़े अधिकारियों से संबंध, उसी के साथ साथ सरकार में दखलंदाजी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ेगी। बस इसी पे फोकस रखिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिविटी में रही तो आप कैरियर में बहुत तरक्की करने जा रहे हैं अगर 1.5 साल में। लेकिन अगर आपने साम दाम दंड भेद कुटिलता से कुछ हासिल करने की कोशिश करी, नंबर 2 का पैसा रखने की कोशिश करी, तो भारी नुकसान हो सकता है। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी वृषभ का ये राहु आपको बहुत कुछ जीवन में दे के जाएंगे, सिखा के जाएंगे, और ख़ास तौर से कहा भी गया है, जिसे राहु तारे तो फिर कौन उसे मारे, और जिसे राहु मारे तो फिर उसे कौन तारे। तो आपको तारने आए, मारने नहीं आए। तो तारने के लिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए, राहु में वो तड़प है, वो दुनिया देखना चाहता है, लेकिन और वो बहुत तेजी से सब कुछ चाहता है, तो बहुत तेजी से धन दिलाता है। तेजी से धन कैसे आता है, रातों रात शेयर मार्केट, सत्ता मार्केट, जुआ, गलत कामों से। जब भी आप इन चीजों को कंट्रोल कर लेंगे और जुपिटर का भी बल दे देंगे इन्हें, मतलब कि प्रिंसिपल, तो ये धन आएगा और रुकेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि राहु सब जो देता है वो सब लेके चला जाता है, इसीलिए कहते, क्योंकि जो लोग सही कर्म नहीं करते उन्हें दिक्कत होती है। तो अगर आपके कैरियर व्यवसाय की बात करें, बहुत लाभ मिलेंगे, सरकारी नौकरी के योग तो नहीं दिखते हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी में बहुत तरक्की करेंगे, अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा, इंटरनेशनल जॉब्स में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, विदेश सेटल होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी, उसी के साथ साथ विदेशों से
आसानी से नौकरी मिलने की संभावना है, जीवन बेहतर दिख रहा है। व्यवसाय की बात करें तो निश्चित तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़ा लाभ होगा, जीवन में खासी तरक्की दिखेगी। बिजनेस में बिजनेस के साथ साथ आपको आने वाले समय में खास तौर से उसके एक्सपेंशन पर भी ध्यान देना होगा नवंबर 2020 के बाद से। अब बात कर लेते हैं भाई आर्थिक पक्ष की, धन की। तो अगर आर्थिक पक्ष की बात करें तो यहाँ पर भी आप बहुत प्रबल भाग्यशाली हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं शनिदेव महाराज और लग्न में कहीं ना कहीं राहु। निश्चित तौर पर ऐसा योग है जो दिखा रहा है जबरदस्त पैसे की वृद्धि होगी, खास तौर से नवंबर के महीने से ये दिखाई देगा। उसी के साथ साथ वो पैसा रुकेगा अगर सदकर्मों से कमाया हुआ होगा। वो धन दिन दूना रात चौगुनी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ नया घर, नई गाड़ी, बड़ा विराट बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं, नई जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में नवंबर के बाद इन्वेस्ट करिए, भारी लाभ मिलेगा, बहुत भारी लाभ मिलेगा 2021-22 में आपको। उसी के साथ साथ खास तौर से इन्वेस्टमेंट सोच समझ के पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से एडवाइस लेने के बाद ही करेंगे तो धन में जो तरक्की हो बनी रहेगी। सैलरी रूटीन इनकम 2020 के आखिरी 2021 तक बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, नई नौकरी की उम्मीद है। उसी के साथ साथ तनख्वाह छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर यह समय बहुत बेहतरीन लेके आया है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके की उम्मीद लेके आया है, तो इसको सदुपयोग करिएगा। अब बात करते हैं घरेलू मोर्चे पारिवारिक जीवन की। देखिए पहले घर से सातवें घर कहीं ना कहीं होता है जब भी राहु केतु, तो पहले और सातवें को इम्पैक्ट करता है। सातवां केतु घरेलू जीवन पारिवारिक जीवन में बहुत बवंडर होने वाले हैं। सेपरेशन की स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति, डाइवोर्स बढ़ेंगे वृषभ राशि वालों को, इन्हें फोकस रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। चीटिंग के प्लैनेट है राहु और केतु नहीं है हालांकि, लेकिन केतु सातवें में जब होते हैं राहु की संगत होती है तो वो भी करते हैं, फोकस रखिएगा नहीं तो स्थितियां खराब होंगी। पत्नी रूठ के ससुराल जा सकती है, ससुराल पक्ष से भारी विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकता है, विवाद बढ़ सकता है, इन सब चीज़ों पर फोकस रखिए। उसी के साथ साथ ससुराल पक्ष अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। उसी के साथ साथ अगर नया विवाह करने जा रहे हैं, मतलब विवाह करने जा रहे हैं, तो खास तौर से देवगुरु बृहस्पति का अनुष्ठान पूजा जरूर कराइएगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब केतु की बात करें, केतु सातवें घर में स्थित हैं, निश्चित तौर पर आपको मैरिज में अस्थिरता लाएंगे। हालांकि बिजनेस इंप्रूव करेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि में उन्हें उच्च का माना गया है और कहा जाता है राहु शुक्र या शनि की तरह बनना चाहते हैं, शुक्र की तरह मोहक और शनि की तरह बलवान और केतु मंगल की तरह फ्रंट से लीड करना चाहते हैं, खास तौर से या बृहस्पति की तरह स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अपने को स्पिरिचुअलिटी से जोड़िएगा तो लाभ मिलेगा। व्यवसाय में भी नंबर तो का कोई काम नहीं करिएगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन पे एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है जैसा कि मैंने बताया। अब बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य कमजोर रहेगा अगले 1.5 साल, स्थिति थोड़ी खराब रहेगी, थोड़ा फोकस रखना होगा। खास तौर से छोटे मोटे रोग उभरते रहेंगे, खास तौर से आपको अपने माता का भी ध्यान रखना होगा, खास तौर से थोड़ा बहुत विच्छेद हो सकता है परिवार वालों के साथ, उस पर भी ध्यान रखिए। आप कहीं दूर जा सकते हैं, उस पर ही फोकस रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा और स्वास्थ्य में खास तौर से आपको ध्यान देना होगा। वृषभ राशि कहीं ना कहीं लोअर बॉडी पार्ट को भी दर्शाते हैं, आपके इरेक्शन को दर्शाते हैं, आपके कहीं ना कहीं इंटेंस स्टाइल को दर्शाते हैं, उस पर फोकस रखना होगा। सीमेन को दर्शाते हैं, बच्चे और वृषभ और केतु वृश्चिक राशि इन सब चीज़ों को दर्शाती हैं और ख़ास तौर से राहु केतु की स्थिति दर्शा रही है कि इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ फोकस रखेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। तो ये ओवरऑल राशिफल आपके लिए बेहतर है और ख़ास तौर से लाभ लेके आया है। अब क्या महा उपाय करें, जैसा कि मैंने मेष राशि का जब एपिसोड किया था उनको भी डिटेल में बताया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो राहु सही करने के लिए खास तौर से ससुराल पक्ष से बिगाड़ कर नहीं चलना चाहिए। राहु ससुराल पक्ष का कारक है, विदेशों का कारक है, विदेशों से लोगों से नहीं बिगाड़नी चाहिए। सर पे चोटी रख लें इस दौरान तो और अच्छा होता है, राहु बलवान होते हैं। घर में ठोस हाथी का एक सिंबल अपने मंदिर में रखिए, निश्चित तौर पर देखिए दिन दूनी रात चौनी तरक्की होगी। अब केतु के कुछ उपाय बता देता हूँ।
केतु के लिए खास तौर से कुत्तों का कुछ ना कुछ है, उनको खिलाते रहें, गणेश जी की आराधना करें और दो रंगी के रोटी कुत्ते को खिलाएं, बहुत लाभ मिलेगा। कान छुतवा सकते हैं, कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, निश्चित तौर पर बड़े लाभ मिलेगा। तो ये था राहु केतु का वृषभ राशि पर असर और उसके उपाय। अब आपकी बारी है शेयर सब्सक्राइब लाइक करने की और मुझसे जुड़ने की ट्विटर पे एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।